चलिए यहाँ पर बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो वर्ल्ड कप मुकाबला खेला जाएगा, आज इंडिया ने विन किया, काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान का टीम मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इंडिया के पक्ष में टीम बनाना था और इंडिया को विन भी करना था। मैंने आइडिया के जरिए आप लोगों से कहा था कि इंडिया के पक्ष में आप लोग GL का टीम बना लो, मैंने भी वैसे GL ही ट्राई किया, स्मॉली खेला नहीं था। तो मेरे भाई इस मुकाबले में हम लोग सारा कुछ खेलने का प्लान करेंगे। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, पिच जो है दिल्ली का पिच में है और यहाँ पर रन बनाना आसान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज और कैप्टन VC भी इंग्लैंड के बल्लेबाज के ऊपर ही जाना चाहिए जो कि टॉप ऑर्डर हैं। तो एक शानदार वन साइडेड टीम हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम पे ही तो प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखा देगा 56.9 के सब्सक्राइबर के आसपास। यहीं पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर टॉप कमेंट जो होता है वीडियो पे उन्हीं के जरिए जुड़ना ताकि आप ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे और फ्री का फ़ायदा उठा लोगे। तो मेरे भाई चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का फुल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ। मैच जो है 13 मैच खेला जाएगा, 13वां मैच है और 15 अक्टूबर 2 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, जहाँ पर रन बरसते हैं। रिसेंट में जहाँ पर इंग्लैंड लॉस विन करके आ रहा है तो अफगानिस्तान LL करके आ रहा है। LL का मतलब गलत मत समझना, लॉस करके आ रहा है। पिच रिपोर्ट बल्लेबाजी के अनुकूल रहेगा और इंग्लैंड के सारे प्लेयर को मदद मिलेगा, स्पिन हो गया, फास्ट हो गया, क्योंकि इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है ना मेरे भाई, तो वहाँ पर पिच रोल इंग्लैंड के सामने वर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ बल्लेबाजी अफगानिस्तान का ठीक ठाक कर सकता है। रिसेंट वर्ल्ड कप मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका श्रीलंका खेला गया, देख सकते हो। पेसर से यहाँ पर 12 स्पिनर 3 ले गए। अफगानिस्तान और इंडिया का खेला गया, यहाँ पर देख सकते हो पेसर से 7 विकेट स्पिनर 3 विकेट ले गए और रन स्कोरिंग तो देखो ज़बरदस्त रन बनता है। वेन्यू रिकॉर्ड क्या करता है, टोटल मैच 2 खेला गया, बैटिंग फर्स्ट सेकेंड दोनों 1-1, यानी ओवरऑल ठीक ठाक। ODI इंटरनेशनल टोटल मैच यहाँ पर 27, बैटिंग पहले वाले 13 और बैटिंग सेकेंड 14, यानी चेस करना थोड़ा सा ईजी है, बस इंग्लैंड कुछ भी करे विन करना चाहिए। एवरेज फर्स्ट इनिंग 243 है, हाईएस्ट 428 इसी बार वर्ल्ड कप में और लो 99 रन। 200 रन 7 बार बना, 8 बार बना 250 रन के करीब आसपास, 250 जो 300 रन 9 बार बना है और 300+ जो है 3 बार बना है। वेदर रिपोर्ट यहाँ पर देखा जाए तो रेन का कोई चांस नहीं है और टुडे मैच 2 यहाँ पर जहाँ पर दोनों इंग्लैंड ने विन किया, दोनों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो अफगानिस्तान नहीं विन किया। टीम न्यूज कुछ खास होने वाली नहीं है, इंग्लैंड वजह चाहे तो 1-2 अन्य को मौका दे सकता है लेकिन वर्ल्ड कप में कुछ रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहेगा। जोनी बेयरस्टो के साथ डेविड मलान आएगा और जो रूटी है 3, इनके टॉपर जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है पहले गेंदबाजी में, जो कि कैप्टन VC का भी चांस रहेगा। जोस बटलर यहाँ से लियाम लिविस्टोन हो गया, ये लोग अगर यदि एक्सचेंज 22 में रहेंगे तो सेल का भी लायक बनेगा जब पहले बल्लेबाजी करेगा अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान आर गुरबज, इब्राहिम जादा दोनों काफ़ी बढ़िया ओपनर है लेकिन सामने आर टोफली जो यहाँ पर खेलता है ना वो गजब का गेंदबाजी कर जाता है, यहाँ पर दिक्कतें आ सकता है। बाकी इस प्रकार से जोनी बेयरस्टो वर्ल्ड कप में क्या करके आ रहे हैं, 33-52 रिसेंट फॉर्म सारा कुछ आप देख लेना। वर्ल्ड कप हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका देखा जाए खास नहीं है और जोनी बेयरस्टो का 90 का एवरेज है, यानी अच्छा खासा पिटाई करता है। आज तक डेविड मलान अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेला लेकिन वर्ल्ड कप में 14-140 करके आ रहे हैं। जोई रूट की बात के यहाँ पर देख सकते हो, जोई रूट का 88 का एवरेज है अफगानिस्तान के सामने, वर्ल्ड कप में भी 77-82 गजब के फॉर्म में है। जोस बटल 41 का एवरेज है वर्ल्ड कप में, 43-20 यानी कि ट्राई करने लायक है पहले बल्लेबाजी पे। हैरी ब्रू भी पहले बल्लेबाजी पे हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका है नहीं लेकिन बढ़िया कर लेगा। लियाम लिविस्टोन भी अभी तक सीरीज में भी कुछ खास नहीं किया, अफगानिस्तान के खिलाफ भी कुछ खास मैच खेला नहीं है। सेम कुरान भी नहीं खेला है लेकिन रिसेंट देखो खास फॉर्म इनका नहीं है। क्रिस बॉक्स ठीक ठाक करके आ रहे हैं, 1 मैच में 1 रन बना, 0 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए। आदिल रशीद 1 मैच में 3 विकेटें, यानी ठीक ठाक ये गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अफगानिस्तान के सामने। मार्क वुड 1 मैच में 2 विकेटें लगे, पेस का अच्छा खासा ये है। आर टोपली की बात की, आज तक खेला नहीं लेकिन खेलेगा तो विकेटें भी ले जाएगा, लास्ट मैच में 4 विकेटें। बेंच प्लेयर कोई भी खेलेगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। अन्य
अफगानिस्तान के तरफ से देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड आर गुरबाज भी अभी तक नहीं खेले हैं, लेकिन इनका रिसेंट वर्ल्ड कप 47-21 ठीक ठाक प्लेयर है। ये भी हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका भी कुछ खास है ही नहीं, क्यों खास क्या खेला ही नहीं और वर्ल्ड कप में 22-22 करके आ रहे हैं। और अहमद शाह का 46 का एवरेज है भैया, तो ठीक ठाक प्लेयर होंगे, अनुभव की कमी इनकी तो है ही नहीं है। 18-16 करके आ रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड कप में, और इनका एक मैच में 76 रन है ये शाहिदी का इनके सामने इंग्लैंड के सामने, और वर्ल्ड कप में 18-80 अभी तक किए हैं जो कि 80 इंडिया के सामने। ए उमर शाही गजब का ऑलराउंडर है, खासकर बल्लेबाजी गजब के करें इंपॉर्टेंट रहेगा, इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक खेला नहीं। मोहम्मद नबी इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रकार से खेला, 2 मैच में 25 रन, रिसेंट देखोगे खास इनका रिकॉर्ड है नहीं। नजबुल्ला जदरन 47 का एवरेज रखता है हेड टू हेड में। राशिद खान इंपॉर्टेंट प्लेयर है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करना चाहिए, एक दो विकेट अगर गिरेगा भी तो राशिद के खाते में जाने की संभावना है। मुजीबुर रहमान शुरुआत में स्पिन गेंदबाजी करेगा पावर प्ले में भी, तो थोड़ा सा देखना होगा, अच्छे खासे इकोनमीदार है। नवीन अलग की पहले गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंड गेंदबाजी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। फजल फारूकी भी पहले गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट, सेकेंड पे नहीं। बाकी बेंच प्लेयर आप यहाँ से देख सकते हो, ज़्यादा कुछ बचा नहीं, बचा है तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि वन साइडेड यहाँ पर इंग्लैंड विन करेगा। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। एक टीम मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, देखो यहाँ पर जोनी बेयरस्टो, जो रूट, डेविड मलान, तीन तक बल्लेबाज को पिक किया, मोहम्मद नबी, ए उमर जाई, सेम कुरान, और यहाँ से राशिद खान, बाकी सारे गेंदबाज मैंने यहाँ से ले लिया। यह टीम जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, पहले गेंदबाजी करेगा इंग्लैंड का टीम, तो हमारा ये टीम हो जाएगा, और यहाँ पर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगा तो देखो हमारे टीम पे जोश बटलर आ जाएगा, अब किन के जगह आएगा, मोहम्मद नबी की जगह, और इनका एक गेंदबाज हो सकता है मैं ड्रॉप करूँगा सी बॉक्स या फिर सेम कुरान को या फिर मोहम्मद नबी को ड्रॉप करके वहाँ पर नवीन अल हक्यू और फजल फारूकी को लेने का प्रयास करूँगा। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि तीन जो बल्लेबाज मैं पिक किया हूँ इंग्लैंड का, पहले बल्लेबाजी करे तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज पिक कर लेंगे, एक्स्ट्रा गेंदबाज कम करके, और यहीं देखा जाए अफगानिस्तान पहले गेंदबाजी करेगा तो एक बल्लेबाज ऑलराउंडर को हटाकर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज कम कर सॉरी एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज डेथ कर ले लेंगे, क्या 11 बल्लेबाज, एक एक्स्ट्रा गेंदबाज ले लेंगे नवीन लकी फजल फारूकी। तो इस प्रकार एक दो चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। कैप्टन बीसी आप ओपनर के ऊपर जा सकते हो, पहले बल्लेबाजी इंग्लैंड करे तो जो रूट के ऊपर जा सकते हो। बाकी गेंदबाजी में आदिल रशीद, आर टोफली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ख़ास कोई है नहीं। तो मेरे भाई ये वन साइडेड टीम होने वाला है और ये भी मैच जीएल के दृष्टि से अच्छा है। अगर यदि इंग्लैंड के पक्ष में बनाते हो और इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता है तो सारे गेंदबाज प्लस ओपनर वाला भी वर्क यहाँ पर कर सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को बड़ा करके फ़ायदा नहीं, फिलहाल के लिए वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ लक्ष्मी माँ विषहरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट शानदार जाएगा।